जी ओके। चलिए ये तो हमारा सातवां क्वेश्चन था, अब आते हैं आठवें क्वेश्चन पे। आठवां सवाल हमारा क्या है, देखिए आठवां सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, चाहे वो एक नंबर में हो या फिर आपका यहाँ पे आपका आठ नंबर में भी कई बार पूछा जा चुका है वो सवाल। वो सवाल क्या है ये देखिए, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्य में अंतर, यानी कि आपको करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस निकालना है, करिकुलम और सिलेबस में डिफरेंस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कई बुक का रेफरेंस लेके यहाँ पे ये चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं। पहला देखिए पाठ्यक्रम के बारे में, तो पाठ्यक्रम क्या होता है, देखिए आप जब स्कूल्स में जाते हैं तो आपके प्रेयर से लेके लास्ट क्लास तक आपको कैसे निकलना है, कब आपकी बारी आती है, ये सब चीज़ पाठ्यक्रम का हिस्सा बनती है। चाहे वो स्काउट गाइड हो, चाहे आपका प्रेयर हो, चाहे आपका ट्रिप हो, कहीं टूर हो, पिकनिक हो, अवार्ड हो, फंक्शन हो, ये सब आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा होती है। जबकि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आपके जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, आपको जो विषय पढ़ाते हैं उसका एक सिलेबस निर्धारण करते हैं कि किस अंदाज में आपको पढ़ाना है, तो वो सिलेबस का हिस्सा हो जाता है। आइए देखते हैं कि इसका इसको लिखा कैसे गया है। पाठ्यक्रम समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में सिखाया जाता है, मैंने कहा ना समस्त वो समग्र सामग्री, स्पोर्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड है, आपका प्रेयर भी इंक्लूडेड है, स्काउट गाइड भी, सब चीज़ इंक्लूडेड है। यानी कि पाठ्यक्रम क्या है भाई, करिकुलम क्या है आपका, करिकुलम आपका समग्र सामग्री है जो एक शैक्षिक प्रणाली में सिखाया जाता है। जबकि सिलेबस क्या है, सिलेबस में आपका पाठ्यचर वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु में शामिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। यानी कि किसी किसी विषय वस्तु में आपको क्या पढ़ाना है उसको, उसके लिए बनाया गया दस्तावेज है। तो क्या है भाई, पाठ्यचर वह दस्तावेज है जिसके अंतर्गत किसी विषय वस्तु में शामिल अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। अब ऑब्वियसली बात है, जब बंदे को खिलाया जाएगा उसका प्रेयर, तो करिकुलम के अंदर क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास होगा, उसका कम्प्लीटली मतलब ओवरऑल उसका डेवलपमेंट होगा। जबकि सिलेबस में क्या होता है, सिलेबस में बालक को केवल बौद्धिक विकास होता है, मतलब उसको पढ़ना लिखना, आंसर सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब यही चीज़ें उसको उसको मेंटल उसका डेवलपमेंट होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसका। ओके नेक्स्ट आपका डिफरेंस ये है कि पाठ्यक्रम जो है वो एक लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है पाठ्यक्रम, जबकि पाठ्यचर क्या है, सिलेबस एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, सिलेबस एक ग्रीक वर्ड है, जबकि करिकुलम क्यूररे, लैटिन वर्ड का क्यूररे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान, ठीक है। और नेक्स्ट डिफरेंस इसमें है कि यह राज्य, जिला अथवा विद्यालय द्वारा बनाया जाता है। जो पाठ्यक्रम है ना वो एक पूरे संस्था के द्वारा, विद्यालय के द्वारा बना दिया जाएगा, एक विद्यालय के लिए, एक राज्य के लिए, पूरे राज्य के लिए बना दिया जाएगा। जबकि जो सिलेबस है, सिलेबस विशेष शिक्षक के द्वारा बनाया जाता है, जो सिलेबस है ना वो शिक्षक बनाएगा कि हमें हाँ इसमें क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और कौन सा हाफ ईयरली के लिए बनाना है, कौन सा एनुअल एग्जाम के लिए बनाना है, ठीक है। अब बताइए पाठ्यक्रम की अवधि लंबे समय तक रहती है, लंबे से ऑब्वियसली बात है, आपको पूरे साल के लिए एक पाठ्यक्रम बनाना पड़ता है, पूरे साल के लिए नहीं, जबकि पूरे जब से सेशन चला है तब से लेके कब प्रेयर कराना, ये तो एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है। जबकि पाठ्यचर क्या है, सिलेबस क्या है, कम सिलेबस की अवधि क्या होती है, कम समय तक रहती है। तो ये चार पॉइंट्स डिफरेंस हैं इसके, एक नंबर के लिए बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, मगर फिर भी आपको चार पॉइंट आपको याद कर लेंगे, तो अगर आठ नंबर में पूछे तो इसको और बढ़ा चला के दो तीन और डिफरेंस आप मिला के इजीली लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा था, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एट्थ क्वेश्चन था, आठवां क्वेश्चन, तो अब आइए नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन